हेलो फ्रेंड्स, डीमन हंटर का एक और शानदार नॉवेल एक्सप्लेन वीडियो में आपका स्वागत है। तो बिना देरी के चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। तो चैप्टर के शुरू में मास्टर चुआंग को कहता है, मैं तुम्हें देखकर बता सकता हूँ तुम सोल के साथ पैदा हुए हो। और फिर आगे मास्टर कहता है, इन हिस्ट्री एक्सेप्ट फॉर दोस्त थ्री जो पेरेंट्स के ऊपर रिलाई था और सबको आउटसाइड सोर्स से मदद भी मिला, लेकिन तुम ही एकमात्र ऐसे हो जो सोल कॉन्डेंस करने के लिए किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर रिलाय नहीं करते हो। जो सुनकर चुआंग का लेजिट रिएक्शन आता है, हाँ ओनली वन। तभी मास्टर उसे समझाने लगता है पहले पियानो आर्ट से कि जब स्किल एक्सट्रीम रीच होगा तो तुम ताओ एंटर कर पाओगे और साथ ही हार्ट को भी सवाल पूछ पाओगे। और हर बार जब भी हार्ट से तुम कुछ पूछोगे तो सोल भी एक बार के लिए चेंज होगा, लेकिन वहां तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। जो सुनकर चुआंग फिर से कहता है, डिफिकल्ट। जहां मास्टर उसे कहता है, यस हम ऐसे बच्चे को राइज करने की कोशिश करे थे, बट ट्रू पियरलेस पेंटर कैन नॉट बी कल्टिवेटेड। और फिर आगे मास्टर कहता है, इसके अलावा स्वॉर्डमैनशिप ताओ के दायरे तक पहुंचने के बाद बिना टाइम बर्बाद करे अपने दिल पर भी सवाल उठा सकते हैं, और तुम्हारा स्वॉर्डमैनशिप बहुत आला है और स्वॉर्डमैनशिप प्रैक्टिस पर तुम्हें जीनियस भी कंसिडर किया जा सकता है। सो टोटली यू आर ए पियरलेस जीनियस। जहां चुआंग रिस्पेक्ट के साथ मास्टर को कहता है, मास्टर मुझे बहुत ज्यादा प्राइस कर रहा है। जहां मास्टर कहता है, तुम्हें मॉडेस्ट होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम हो जीनियस क्योंकि वो सोल तुम्हारा पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। सो तुम्हें इसे सीक्रेट रखना होगा क्योंकि अगर डिमन को पता लग गया कि तुम सोल को कॉन्डेंस करते हो तो वो तुम्हें मारने के लिए जरूर आएगा। जो सुनकर चुआंग मास्टर को कहता है, तो फिर मास्टर क्या किया जाए। जहां मास्टर कहता है, टेंशन मत करो, अगर डिमन और तुम्हारे बीच का डिस्टेंस ज्यादा हुआ तो वो सोल को पहचान नहीं पाएंगे और 15 साल के अंदर तुम एक ग्रेट सन डीमन गॉड बन जाओगे। और फिर मास्टर आगे कहता, ऑफ कोर्स डीमन गॉड की कल्टीवेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फिजिकल बॉडी, प्रीमोडियल स्प्रिट और रियल ऑफ स्वॉर्डमैनशिप, और तुम अभी तक तलवार का सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंग भी नहीं समझ पाए हो और रोड तो अभी बहुत दूर है। जहां चुआंग कहता है, यस मास्टर डिसिपल गॉट इट। तभी मास्टर कहता है, तो फिर दिखाओ मुझे तुम किस टाइप के स्वॉर्डमैनशिप पर माहिर हो। तभी चुआंग स्लैशिंग द मून गार्डियन सॉर्ड और फाइव थंडर डिस्ट्रॉयर सॉर्ड स्टाइल मास्टर को दिखाता है, जो देखकर मास्टर कहता है, ये तो अलग है। जहां चुआंग भी लाइक, तभी मास्टर कहता है, मैंने कहा स्वॉर्डमैनशिप दिखाओ, थंडर डिस्ट्रॉयर स्वॉर्ड स्टाइल नहीं। और फिर मास्टर आगे कहता है, तुम्हारे रियल में ये कहना लॉजिकल है कि तुम अपनी सीमा तक पहुंचने पर एक पॉइंट पर अपने लिमिट पहुंच सकते हो। एंड इट्स टर्न आउट्स कॉम्बिनेशन ऑफ थंडर डिस्ट्रॉयर मूव और एक अलग मूव। सो डिसाइपल को थंडर डिस्ट्रॉयर शॉट के फ्रेगमेंट्स मिले और उसने विरासत में केवल एक हिस्सा एक्सेप्ट किया और इससे सहन नहीं कर सका। एंड देन आगे मास्टर कहता है, ऑफकोर्स आपके पास केवल एक सांसारिक बॉडी है, जब आप डेमन गॉड बन जाते हो आपके प्रीमोडियल सोल बरी हो जाती है और आप स्वाभाविक रूप से फुल इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट कर सकते हो। और हाँ, मैंने तुम्हारे शॉट को देखा, तुम शार्प शॉट में माहिर हो और ब्लैक आयरन स्क्रिप्चर्स का बहुत पार्ट्स है जिनमें से तीन तरीके का शॉट है, जो कि है थंडर शॉट, माइंड शॉट एंड हेवन अर्थ वंडरिंग ड्रैगन शॉट। और तुम थंडर डिस्ट्रॉइंग वर्ल्ड शॉट प्रैक्टिस कर रहे हो और ये सिर्फ तुम्हारे साथ 30% कॉम्पिटिबल है क्योंकि गॉड इसे क्रिएट किया हाई स्पीड के लिए, लेकिन तुम्हारा स्किल उतना डोमिनेटिंग नहीं है, उसी कारण बस ये तुमसे 30% फिट है। उसके बाद हेवन एंड अर्थ भी फास्ट है और वो तुमसे 50% फिट है एंड माइंड शॉट 90%। जहां चुआंग कहता है, तो क्या डिसाइपल को माइंड शॉट चूज करना चाहिए। जहां मास्टर कहता है, ऑर्डर के हिसाब से चलना ही नेसेसरी है। जो सुनके चुआंग कहता है, डिसाइपल समझ गया। एंड मास्टर कहता है, तो फिर चलो जाओ बहुत सारा ट्रेनिंग करो। तभी चुआंग सोच में ही डूबा रहता है क्योंकि इतने टाइम से थंडर डिस्ट्रॉय टेक्निक प्रैक्टिस करने के कारण वो उसे ऐसे ही छोड़ नहीं पा रहा और साथ ही वो ये भी मानता है कि मास्टर ने जो कहा फिर भी अंत में डिसीजन खुद को ही लेना पड़ेगा। सो वो लाइब्रेरी चला गया और वो बुक उठाया जिसमें ये तीनों टेक्निक है और वो फिर वो पढ़ने बैठ गया और जितना वो जानते गया उतना ही वो चीज़ों को लेकर क्लियर होता गया। एंड फाइनली ही सेज,
दैट्स इट, मतलब वो उसे तीनों ही चाहिए क्योंकि लौंडा थोड़ा लालची भी है। और फिर सीन चेंज होता है और फायर डिमन केप पर मास्टर चुआंग को कहता है मैं सीक्रेट चैम्बर को ओपन करने जा रहा हूँ, जहाँ मैं आपको बता दूँ वो कोई आम जगह नहीं है बल्कि वहाँ डिसाइपल एविल स्प्रिट कल्टिवेट करता है। और मास्टर उसे वहाँ लेके आके कहता है बहुत ज़्यादा देर तक यहाँ मत रुकना, मैं बाहर हूँ, तुम कभी भी मुझे बुला सकते हो। लेकिन चुआंग का सिर्फ एक ही पर्पोज है और वो है थंडर डिस्ट्रॉय डेमन बॉडी का फास्ट लेवल कल्टिवेट करना। और फिर मास्टर के मदद के लिए वो मास्टर को थैंक्स कहता है और फिर वो आगे कहता है एक दिन के लिए 10 credits। और ये सबसे पूरेस्ट रूम है जहाँ सिर्फ एक ब्रोकन मैट है। और फिर वो ठान लेता है कि कुछ थंडर डिस्ट्रॉयर मूव्स को किलर मूव्स के तरह इस्तेमाल करने के लिए, और वो भी आउटब्रेक इवेंट पर। और जो शॉर्ट टेक्निक वो यूज़ कर रहा है वो स्पेशली एट की तरह काम करता है उसके कल्टीवेशन में, क्योंकि शॉर्ट टेक्निक से मसल बॉडी भी डीपली मोबिलाइज हो रहा है फास्ट एविल स्प्रिट एब्जॉर्ब करने के लिए, दूसरा स्ट्रेंथ इन्हेंस करने के लिए। लेकिन इसमें एक खतरा भी है जो कि है एविल QI माइंड को इफेक्ट कर सकता है और साथ ही बॉडी के साथ भी ब्लेंड हो सकता है। और कुछ टाइम में वो मैनियक के तरह फील भी किया। और साथ ही थंडर डिस्ट्रॉय टेक्निक एक ऐसा टेक्निक है कि आप जितना उसके बारे में जानोगे वो टेक्निक उतना ही आपको डिफ़िकल्ट लगने लगेगा। और तभी 1 घंटे बीत जाने के बाद भी मास्टर बाहर नहीं आता है, वो सोचकर एक डिसाइपल परेशान होता है। और टाइम गुजरने के साथ साथ उसका थॉट्स और भी क्रेजी होने लगता है। उतने में मास्टर आके उस डिसाइपल को कहता है मैंग चुआन पहला पर्सन है जो इतने लंबे समय से वहाँ है। और हाँ इट्स ट्रू, क्योंकि उसके बाद सीन चेंज होता है और 5 दिन बाद बैडास चुआंग को देखने को मिलता है और उसका बॉडी भी अपग्रेड हो चुका है, जिस कारण से वो भी खुश होके कहता है फाइनली मैंने कर दिखाया। और फिर सीन चेंज होता है और न्यू ईयर सेलिब्रेशन देखने को मिलता है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैंग चुआन और क्यूए साथ में बैठ के क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और चुआंग क्यूए को कहता है न्यू ईयर एव, जहाँ क्यूए कहती है ये मेरा फर्स्ट न्यू ईयर एव है युनची माउंटेन पर। तभी चुआंग कहता है यप, हमें यहाँ एटलीस्ट 10 साल रहना होगा और साथ ही ये हमारा लास्ट पीसफुल डे है, क्योंकि नीचे जाने के बाद हम बैटलफील्ड में होंगे, जहां क्यूए भी कहती है यब। तभी मैंग चुआन कहता है माउंटेन से उतरने के बाद बैटलफील्ड पर उतरना ही होगा, तो इसीलिए जब तक हम यहां पर है तब तक हमें स्ट्रेंथ इंक्रीज करने में काम करना होगा, कल्टीवेशन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इस वजह से आने वाले समय में हम साथ रह पाएंगे। और उतने में बाकी डिसाइपल दोनों को यंग कपल्स कह के एड्रेस करने लगते हैं, जो सुनकर दोनों शर्म के मारे लाल हो गया। लेकिन कमीने डिसाइपल नहीं रुकते, फिर से दोनों को यंग कपल्स कह के पीने के लिए बुलाते हैं। और तभी मैंग चुआन क्यूए की हाथ थाम कर कहता है चलो वहाँ चलते हैं, जो सुनकर अगेन शी फेल फॉर हिम और वो कहती है यप। और क्योंकि न्यू ईयर एफ सेलिब्रेशन है तो डाउफेंग का एटमोसफेयर एकदम शानदार होके रखा है और साथ ही अलग अलग जगह का डिसाइपल भी वहाँ इकट्ठा हुआ है, जो कि न्यू ईयर में हर साल होते ही है, और एक दूसरे से अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, आने वाले दिनों के बारे में सोचते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सभी मिलकर खुशियां मनाते हैं। और फिर सेलिब्रेशन के बाद लूनर मंथ फर्स्ट डे का सिनेरियो देखने को मिलता है, जहां मैंग चुआन पासेस ऑफ थाउजेंड्स ब्लेड केप के पास प्रैक्टिस करने का डिसीजन लेता है, बट उस जगह का वाइंड बहुत ही खतरनाक है, बट उसी को चैलेंज मानते हुए मैंग चुआन वहां प्रैक्टिस करना चालू करता है। और फिर प्रैक्टिस करते हुए वो कहता है वाइन ब्लेड बहुत पावरफुल है, और फिर वो पास्ट का एक रिकॉर्ड याद करता है। बेसिकली पास्ट रिकॉर्ड में है कि एक डीमन गॉड को पनिशमेंट के तौर पे कैंडो केप के डेप पर रखा गया था, लेकिन बाद में वो वाइन ब्लेड यूज़ किया और माउंटेन को ही स्प्लिट कर दिया था। और फिर 3 साल बाद द केप ऑफ थाउजेंड सॉर्ड्स पर उसने रियलाइज किया माइंड सॉर्ड स्टाइल को और वाइन ब्लेड से सामना किया। सो ये याद करके कहता है नेक्स्ट मैं माइंड सॉर्ड को यूज़ करूँगा वाइन ब्लेड को स्प्लिट करने के लिए।
और बंदा कूद भी गया वाइंड ब्लेड के सामने और फिर वो एक स्लैश के साथ कहता है लेट्स स्टार्ट माय नाइफ फर्स्ट स्टाइल। बट कुछ ही देर में चुआंग रियलाइज करता है उससे कुछ मिस हो रहा है क्योंकि ब्लेड कट नहीं हो रहा। सो वो फिर से सोचता है पास्ट में सिंगल स्ट्राइक के साथ ब्लेड को काटा गया, सो माइंड शॉट टेक्निक के हिसाब से मुझे शांत रहना होगा। देन वो काम होके जो किया वो शानदार था क्योंकि उसने 90% फोर्स को यूज किया उस चीज को एक्सट्रीम तक एक्सप्लोर करने के लिए और फिर वो तुरंत नाइफ को निकाला और दूसरे की ओर रुक कर लिया एंड एंडलेस रूप से दोहराते हुए एक के बाद एक प्रहार। और फिर सीन चेंज होता है और इवनिंग में क्यूए को देखने को मिलता है जहाँ वो ग्वानशी से पूछता है मेंग चुआन कहाँ है, जहाँ वो जवाब देता है मास्टर मेंग चुआन घर के अंदर पेंटिंग बना रहा है। तभी क्यूए वो सुनकर चुप चुप कर मेंग चुआन को देखकर कहती है वो चुआन तुम्हें अभी भी पेंटिंग बनाना बहुत पसंद है और साथ ही वो कहती है चुआन कितना हार्ड वर्क कर रहा है तो मैं उसके लिए डिलीशियस खाना पकाऊंगा। और उतने में फिर से सीन चेंज होता है और एविल क्यूआई पॉइंट हमें देखने को मिलता है जहाँ प्रैक्टिस करता हुआ चुआन ऑलमोस्ट हार मानकर कहता है कांट कंटिन्यू मेरा शॉर्ट टेक्निक काफ़ी नहीं है इसके सामने खड़ा होने के लिए। और फिर वो आगे कहता है हालांकि प्रीमोडियल स्प्रिट की पावर्स मोबिलाइज्ड है फिर भी वो लंबे समय तक एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। और फिर वो अंदाज़ा लगाता है कि इस स्पीड से साल भर लगेगा फिफ्थ स्टेज जाने में और सेम टाइम वो डर भी रहा है सिचुएशन से ब्रेक थ्रू पाने में। और फिर आगे वो कहता है क्या सिक्स स्टेज बहुत डिफिकल्ट है तो 7, 8, 9 पर क्या ही होगा। और फिर वो आगे सोचता है मुझे अच्छे से सोचना होगा और शॉर्ट का असली मीनिंग के बारे में मुझे जानना ही होगा। और फिर टाइम बीतने लगा और चुआंग दिन में 5 घंटे रोजाना प्रैक्टिस करता गया और पेंटिंग के माध्यम से वो माइंड को काम रखता था और मानो पल के झुकाते ही जून भी आ गया। और फिर सीन चेंज होता है और हमें ब्यूटीफुल क्यूए को रात में चुआन के घर में देखने को मिलता है और उसने चुआन के लिए बहुत सारा डिलीशियस खाना भी प्रिपेयर्ड किया है। बट उसे बताया गया चुआन शॉर्ट प्रैक्टिस कर रहा है बट क्यूए से और रहा नहीं जा रहा उसे देखने के लिए और साथ ही उसके लिए वो फिक्रमंद भी होती है क्योंकि शॉर्ट प्रैक्टिस बहुत डिफिकल्ट है। बट फिर वो गुस्सा होके कहती है बहुत हो गया मैं और वेट नहीं करूँगा मैं अकेला ही सब कुछ खा जाऊँगी और वो अपना चॉपस्टिक्स भी उठा लेती है खाने के लिए। मगर उतने में मेंग चुआन पहुंच जाता है और फिर वो भूख कर क्यूए के हाथ से ही खाना खाने लगता है जिससे क्यूए लाल हो जाती है। और फिर वो खाना खाने के बाद क्यूए से कहता है मुझे फील हो रहा है मैं कुछ दिन के अंदर शॉर्ट इंटेंट को रियलाइज कर लूंगा और साथ ही ब्रेक थ्रू भी उसके बाद मैं वो टेक्निक तुम्हारे सामने भी प्रैक्टिस करूंगा। जो सुनकर क्यूए भी खुश होती है और कहती है क्या सच में चुआन ये तो अमेजिंग है। जहां ये एपिसोड खत्म होता है।